नमस्कार, मैं हूं राखी सावंत और सबको बताना चाहती हूं कि मैं इस साल लोकसभा चुनाव लड़ रही हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ वेस्ट और मैं यहां से खड़ी हो रही हूं। मैं बिल्कुल कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं एक अलग फील्ड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट की जनता है, जो यहाँ के, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के खड़ा किया और कहा कि आपको हमारे लिए लड़ना है, इसलिए मैं उनके लिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ। बीजेपी मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया और मैंने सिर्फ उनके लिए कि हर चैनल की हमेशा मैं चैनल में रही हूँ, लोग जानते हैं मुझे, तो इसीलिए मुझे पूछा गया था कि आप कौन से चाहती है कि कौन सा पीएम बने, कौन से नेता पीएम बने, तो मेरे वो विचार थे। मैंने ज्वाइन कभी नहीं किया बट ये मेरे विचार थे कि मोदी जी पीएम बने। ये मैंने अपना सिर्फ एक विचार मीडिया के सामने, जनता के सामने रखा था। मैं तो आज भी बीजेपी की इज्जत करती हूँ, राजनाथ सिंह जी की इज्जत करती हूँ, मैं उन सबकी इज्जत करती हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगी कि वो समंदर है तो मैं एक छोटी सी नदी हूँ, वो पेड़ है तो मैं एक छोटी सी शाखा हूँ, है ना। मैं आज भी इज्जत करती हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ ही नहीं। मेरी लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी नेता के लिए नहीं है मेरी लड़ाई। मैं जनता के लिए लड़ाई करना चाहती हूँ, उनके जो हक है, जो कुछ लोग, कुछ नेता बीच में आके उनका हक छीनना चाहते हैं, वो उन नेता को बताना चाहती हूँ कि अब मैं जनता के तरफ से राखी सावंत आ गई है, तुम सबका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। मुझे टिकट मिल रहा था लेकिन एक ऐसे गांव से, कलकत्ता के किसी दूर एक गांव है हुबली, हुबली के से भी आगे एक श्रीरामपुर है, मुझे वहां से टिकट मिल रहा था। मैं मुंबई की हूं, मैं यहां की हूं, मेरी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी मैं बोल सकती हूं, लेकिन मुझे बंगाली नहीं आती है। और वहां की गांव की जनता, आदिवासी जनता हिंदी ना समझ पाएगी, वो सिर्फ बंगाली समझती है। मैं उनके साथ क्या बात करूंगी? मैं उनके लिए अगर कुछ काम करना चाहती हूं, मैं उनके साथ क्या बात करूंगी? मैंने तब डिसाइड किया कि नहीं, मैंने उनका टिकट उनको वापस लौटा दिया। मैं कहूं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहां से खड़ी होंगी, पहले मैं अपना घर साफ करूंगी, बाद में देश। मुझे आज चुनाव में खड़ा करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सपना देखा। उन्होंने कहा था मेरे लिए कि राखी सावंत केजरीवाल से बेटर प्रशासन चला सकती है, तो उन्होंने मुझे जगाया है नींद से, तो ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। देखिए, ये हरे कपड़े हम लोग, ये ग्रीन सिग्नल है जनता के लिए, शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। और इसीलिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं उठ के बता सकती हूँ मैं कि ये ग्रीन सिग्नल है जनता के लिए कि आपने मुझे खड़ा किया है, जनता ने मुझे खड़ा किया है चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के लिए। तो ये हरा कपड़े है मेरे, शुभ है, अब आपके लिए मैं लड़ूंगी और आपका हक मैं आपको दिलाऊंगी। मुझे एक मौका मिले, मुझे एक मौका मिले, मैं आपके लिए चौका छक्का मार के दिखाऊंगी। आपके हक दिलाने के लिए किसी की भी वाट लगा सकती है। दैट्स इट। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.